हुए दिख रहे हैं, रिकवरी आ नहीं रही है अच्छे मजबूत ग्लोबल संकेतों के बावजूद। जरा एक बार आउटलुक बताएं सर बाजार का। अनिल जी, जब हम छोटे थे एक चीज, एक हमारी खेल होता था चाइनीज विस्पर, अगर आपने सुना हो तो। हाँ हाँ तो चाइनीज विस्पर ऐसा लगता है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने एफआईएस को बता दिया कि वो कुछ फेर बदल कर रही है टैक्सेस में, हमें तो कोई इंकलिंग आया नहीं। और दूसरा, उनको चाइनीज में ये लगता है कि शायद चाइनीज के शेयर अभी मल्टीबैगर होने वाले हैं। तो जिसको जाना है सर जाने दीजिए, अब उसमें मैं क्या बताऊं। आपके लिए ग्लोबल क्यूज अच्छे है, आईपी नंबर अच्छा है, इन्फ्लेशन अच्छा है, तो इस समय आपको अगर पैसा नहीं डालना है तो फिर क्यों, क्या रीजन है? तो जिसको चाइनीज विस्पर करना है वो करते ही है, ये खेल तो चलते रहेगा। मुझे लगता है लेने का मौका है 18,500 आएगा बजट से पहले। ओके, उससे ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रही है। एचसीएल टेक के नंबर अच्छे थे, टीसीएस के नंबर अच्छे हैं, तो वीकनेस कहाँ है? बैंक के रिजल्ट कल से शुरू हो जाएंगे, एचडीएफसी बैंक तो वो आपको अच्छा दे देंगे, तो लेने की चेष्टा कीजिए। मेरा तो ये विस्पर, ये चाइनीज विस्पर मुझे लगता है इज अनप्लेस्ड, और 1 तारीख को ही पता लगेगा अगर कोई फेरबदल है। अभी तो 15 दिन की रैली बनती है बाजार में, और ग्लोबल रैली ही लीड करेगी, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है और हमारे यहाँ भी डेटा अच्छे आते दिख रहे हैं, बजट से पहले थोड़ी और मजबूती के आसार हैं। ये राय है आपके लिए वसीम साहब की। बताएं सर, अब आपकी तरफ से कुछ अगर अपडेट्स हैं तो वो भी, और साथ ही फ्रेश कॉल्स। अनिल जी, एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट और जेएसडब्ल्यू स्टील तीनों आउट परफॉर्मर थे। आज भी मैं कह रहा हूँ एनटीपीसी लीड करेगा, और आज दूसरा पिक है अशोक लीलैंड। कल भी मैंने कहा था अशोक लीलैंड, आज भी मैं कह रहा हूँ। तो आई वांट टू रिपीट द स्टॉक्स विच आई ओन एंड आई एम कॉन्फिडेंट दे विल गिव रिटर्न। अशोक लीलैंड 155 का टारगेट है, 143 का स्टॉप लॉस, और 163 का स्टॉप लॉस एनटीपीसी, 174 का टारगेट। ओके, तो अशोक लीलैंड और एनटीपीसी, ये कल भी बसिन साहब को पसंद है, आज भी बसिन साहब को पसंद है, इन दोनों स्टॉक्स में करनी है आपको खरीदारी। ये है आपके लिए आए, धन्यवाद सर ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। अशोक लेलैंड, एनटीपीसी, यहां पर खरीदारी करनी है।